हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। महिमा हम पाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम पाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को आओ चढ़ाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलसिया सामान्य रविवार के 34वां सप्ताह में प्रवेश करती है और आज पूजन विधि की समारोह का अंतिम रविवार है और आज के दिन पूरे विश्व में माता कलसिया के लोग विश्वासी गण राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु ख्रीस्त का पर्व मनाते हैं। और आज हम उसी राजा के भोज में भोजन ग्रहण करने के लिए आए हैं। क्यों माता कलसिया और विश्वासी लोग आप और मैं यीशु को राजा कहकर बुलाते हैं? हम यीशु को राजा इसलिए कहकर के बुलाते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु सबका उद्धार चाहता है। वो किसी का सर्वनाश नहीं चाहता है। हम वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 18 में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु का वचन हमसे कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं और दलितों को स्वतंत्र करूं। प्रिय विश्वासी भक्तों, हमारा राजा हम गरीबों का उद्धार चाहता है। हमारा राजा एक पवित्र राजा है, इसलिए हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में राजा हम सबों को
प्रीति भोज में बुला रहे हैं और हमारे साथ में भोजन करना चाहते हैं। जैसे हम प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं जहां प्रभु का वचन कहता है, आज मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के सामने खड़ा होकर आपका दिल को मैं खटखटा रहा हूं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा उसके साथ मैं भोजन करूंगा। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम थोड़ी देर आंखें बंद करें और उस महान प्रभु राजाओं के राजा का भोजन ग्रहण करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि हमारा राजा पवित्र है। प्रभु पापियों से बेहद प्यार करते हैं, वे पुनः उन्हें वापस देखना चाहते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं इजिकिल के पत्र में अध्याय 18 वाक्यांश 21 में प्रभु का वचन कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। आइए हम अनंत काल तक जीवित रहने के लिए जो भोजन ग्रहण करने के लिए आए हैं, हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से क्षमा मांगे कि जो भी हमने पाप किए हैं, हमारे शरीर के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, हमारी भाषा के द्वारा हमने प्रभु के विरुद्ध गए हैं, प्रभु को दुख दिए हैं, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और दया याचना का गीत गाए। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी, बार करे दूर कर दो पाप हमारे, हम हैं पापी, बार करे दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम उसी राजा की महिमा का गीत गाते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करतार गए प्रशंसा तेरी, आराधना जग में तेरी, करतार गई प्रशंसा तेरी, आराधना जग में तेरी, तू महान शक्तिमान गाते हम सब महिमा तेरी, महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तो एक लोता, हम सब के पापों को हरता,
प्रभु तेरी महिमा हो तुझे आकाश में महिमा हो महिमा हो महिमा प्रभु तेरी महिमा हो तुझे आकाश में महिमा हो महिमा हो दाहिने ओर पिता के हमारी निज को सुनता दाहिने ओर पिता के बैठा बिंदी हमारी निज को सुनता दया करो हे प्रभु भगवान दाते हम तेरा महिमा गा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो तुझे आकाश में महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो तुझे आकाश में महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में जिस मकसद से हम सब यहाँ पे एकत्रित होकर उस राजा के भोज में सम्मिलित हो रहे हैं अपने निवेदनों को कष्टों को पीड़ाओं को रखे। जो लोग अंधकार की शक्तियों में शैतान के बंधन में है जो बुरी आदत में है जिस पर जो परिवार टूटा हुआ है बिखरा पड़ा हुआ है उन सबों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे ताकि हम निरंतर सत्कार्यों में लगे रहे। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 34वां इतवार पहला पाठ समवेल का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1-3 तक। इसराइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा देखिए हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे आप ही इसराइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा तुम ही मेरी प्रजा इसराइल के चरवाहा इसराइल के शासक बन जाओगे। इसराइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इसराइल के राजा का अभिषेक दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय बोलो प्यारो जय जय बोलो जय जय बोलो प्यारो जय जय बोलो महिमा।
जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, जय यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, 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 जय बोलो। दूसरा पाठ, कलोसियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय एक, पद संख्या 11-20। ईश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। आप लोग ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्ग दूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलिसिया के शीर्ष हैं, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए यीशु का उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था,
तू मसीहा है ना, तो अपने आप को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। हम प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्यांश 20 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, जहां प्रेरित गण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जनता को और सड़क पर निकलकर सारे जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे उनका साक्ष्य दे रहे थे, और वे कह रहे थे, हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। आज माता कलसिया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु ख्रिस्त का पर्व मना रही है, और आज हम विश्वासी गण पूरे विश्व में गिरजा घरों से निकलकर शहरों एवं गलियों में जाकर शोभा यात्रा करके, जुलूस करके, अलग अलग तरीकों से प्रभु की घोषणा करेंगे, और कई तरीकों से घोषणा करेंगे और कहेंगे कि सचमुच में यीशु ख्रिस्त ही राजा है। कुछ लोग मुख से कहेंगे कि यीशु ख्रिस्त सचमुच राजा है, कुछ लोग बैनर पर लिखकर लोगों को संदेश देंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह ही दुनिया का राजा है, और कुछ लोग आज झांकियों के द्वारा, नाटक के द्वारा इसी राजा का सुसमाचार का प्रचार करेंगे, और पवित्र याजकगण पवित्र सैक्रामेंट में एक साधारण रोटी के रूप में उपस्थित राजाओं के राजा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हुए पूरे शहर में और गली गली में ले जाकर घोषणा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और कहेंगे, ख्रीस्त राजा की जय। प्रिय भाई और बहनों, हम मानव की दृष्टि में राजा कौन होता है? हम मानव की दृष्टि में राजा वही होता है जिसका जन्म महल में होता है, जिनके पास धन संपत्ति भरा पड़ा रहता है। हम मानव की दृष्टि में, और जब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब हम पाएंगे कि राजा लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे और किसको मानव, किसको जनता राजा कहती थी। जनता उसी को राजा कहती थी जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास ज्यादा गाड़ी, घोड़ा, हाथी, ये सब जिनके पास ज्यादा रहती थी, जनता उन्हें घोषित करती थी कि वे लोग राजा हैं। प्यारे विश्वासी भक्तों,
आज हम जिसको राजा कह रहे हैं वो राजा सबका उद्धार करता है, इसलिए हम उसे राजा कहते हैं। वह किसी का सर्वनाश नहीं चाहता। और राजा हम इसलिए कहते हैं हमारे प्रभु यीशु को, क्योंकि उसका जन्म ना महल में हुआ, ना किसी अच्छे घर में हुआ, बल्कि उसका घर एक झोपड़ी जहां पर जानवर रहते हैं वहां पर एकदम दयनीय दशा में हुआ। और प्रिय विश्वासी भक्तों, हम लुकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय एक में पढ़ते हैं, जहां पर अध्याय एक वाक्यांश 32 और 33 में हम पढ़ते हैं, जहां पर स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और मरियम का अभिवादन करते हुए कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम येसु रखेगी। आगे वचन में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, आगे वचन में कहा गया है कि वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, प्रभु ईश्वर उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। प्यारे विश्वासी भक्तों, हमारा प्रभु यीशु सचमुच में राजा है। उसका राज्य हम सबों को अनंत शांति प्रदान करता है। आज हम राजाओं के राजा का पर्व मना रहे हैं। हम सब जब प्रभु यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु जब इस संसार पर लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, उस समय ना वे घोड़ा से, ना हाथी से, ना बल्कि गाड़ी से, बल्कि पैदल घूम घूम कर लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को पहचानते थे। हम पाएंगे मार्कुस के सुसमाचार में हम पाएंगे अध्याय एक वाक्यांश 32 और 34 में, जहां पर प्रभु यीशु संध्या के समय एक स्थान पर हैं और वहां पर बहुत सारे बीमारियों को, रोगियों को लेकर के आए हैं और वहां पर प्रभु किस प्रकार चंगा कर रहे हैं, किस प्रकार अवधूतों को निकाल रहे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय एक वाक्यांश 32 में, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूतों को उनके पास ले आए, सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला, वे अवधूतों को बोलने से रोकते थे। यीशु अवधूतों को बोलने से रोकते थे। क्यों रोकते थे? क्योंकि अवधूत अच्छी तरह से जानता था कि यीशु सचमुच में दुनिया का राजा है, पापों से उद्धार करने वाला राजा है, इसलिए अवधूतों को बोलने से रोकते थे। हम यहां तक कि पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में ही अध्याय 8 वाक्यांश 27 और 30 में, जब प्रभु यीशु कैसेरिया फिलिप पहुंचे, वहां पर वे अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे थे। वहां पर बातचीत के दौरान वे शिष्यों से पूछते हैं, आप लोग बताइए कि लोग, जनता मेरे विषय में क्या कहती है, मैं कौन हूं इसके विषय में क्या कहती है। तब शिष्यों ने यीशु को जवाब देते हुए कहा, कुछ जनता आपको इलिया समझती है, कुछ जनता आपको यूहन बपतिस्मा समझती है, और कुछ लोग आपको कहते हैं कि पुराने नबियों में से कोई है। तब प्रभु यीशु जनता की राय लेने के बाद अपने शिष्यों को, जो उसके साथ रहते थे, उसके साथ खाते पीते सोते थे, उनसे भी सवाल करते हैं, पेत्रुस से सवाल करते हैं।
पेत्रुस से सवाल करते हुए कहते हैं कि पेत्रुस अब तुम बताओ कि मैं कौन हूं। तब पेत्रुस कहते हैं आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रिय विश्वासी भक्तों, यीशु मसीह सचमुच में जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, वह सचमुच में राजा है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि पिलातुस पूछता है यीशु से कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो, क्या तुम यहूदियों के राजा हो। तब यीशु उसे कहते हैं आप ठीक ही कहते हैं कि मैं राजा हूं। प्रभु यीशु सचमुच में वह राजा है, और राजा इसलिए है क्योंकि वह हम पापियों का उद्धार करता है। प्रिय विश्वासी भक्तों, हम प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सब शिष्य लोग डर गए थे क्योंकि उनके राज शिष्यों के राजा यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है। डर गए थे और उनमें एक प्रकार की भय था कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन मृत्यु के बाद यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। जी उठने के बाद वे अपने शरीर की शक्ति की छाया से पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों को देते हैं, और शिष्यों को देने के बाद वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे जीवन जीते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते हैं, और वे घोषणा करते हुए कहते हैं कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, इसके विषय में नहीं बोलना हम सबों के लिए संभव नहीं है। प्यारे विश्वासी भक्तों, यीशु मसीह सचमुच में इस धरती पर एक साधारण जीवन जिए, लोगों का उद्धार किए, लोगों को चंगाई किए, लोगों को नया जीवन दिए, पापियों को उन्होंने गले लगाया, पापियों के साथ उन्होंने भोजन किया। इसलिए वे वचन में कहते हैं जब एक व्यक्ति ने उससे पूछा आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, हम वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 57 में पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं लोमड़ियों की अपनी मादे होती है, आकाश के पक्षियों की अपनी घोंसला होती है, लेकिन मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं है। प्यारे विश्वासी भक्तों, हमारा प्रभु राजाओं का राजा हमें देखता है, हमारी बातों को सुनता है। राजाओं के राजा प्रभु को सबसे दुखी किन बातों से लगता है? हमारे राजा को यीशु मसीह को सबसे बड़ा दुखी किन बातों से लगता होगा? हम गलातियों के पत्र में पढ़ते हैं प्रभु यीशु को सबसे ज़्यादा घृणा और सबसे ज़्यादा दुखी एवं पीड़ा इन बातों से होती होगी, व्यभिचार से होता होगा। प्रभु यीशु दुखी होते हैं अशुद्धता से दुखी होते हैं, प्रभु यीशु मूर्ति पूजा से दुखी होते हैं, प्रभु यीशु जादू टोना बैर फूट ईर्ष्या क्रोध से दुखी होते हैं, प्रभु यीशु स्वार्थ से दुखी होते हैं, प्रभु यीशु मनमुटाव से दुखी होते हैं, प्रभु यीशु द्वेष और मतवालापन से भी दुखी होते हैं। और प्यारे विश्वासी भक्तों, प्रभु यीशु सबसे ज्यादा दुखी उन लोगों से होते हैं जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है यदि तुम दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हो तो अच्छा होता कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट बांध समुद्र में फेंक दिया जाता। प्यारे विश्वासी भक्तों, आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हमारा राजा प्रेमी राजा है, हमारा राजा दयालु राजा है, हमारा राजा शांति का राजा है। वह शांति चाहता है, अपने राज्य में शांति चाहता है। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता,
एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया, दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध हुआ है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाढ़ जोता हूँ। आमीन। आइए हम सब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखें और उस महान राजा से प्रार्थना करें जो शांति का राजा है, प्रेम का राजा है, हम सबों को पापों से उद्धार करने वाला राजा है। वह किसी का सर्वनाश नहीं चाहता। हम उससे प्रार्थना करेंगे और हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित, समर्पित भाई बहन एवं सभी विश्वासी जीवन आचरण और कर्म के द्वारा संसार में ईश्वर के प्रेम, शांति और न्याय स्थापित करने में सक्षम हो सके, इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो गहरा लगाव एवं प्रेम रखते हैं, प्यार पाने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, अर्थ समझने के लिए। हे पिता ईश्वर, हमारे भाई बहनों को आपके प्रेम से भर दीजिए, इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम निर्दोष एवं बेगुनाहों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिना अपराध के दंड भोग रहे हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारे लिए दंड भोगा। हे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु के क्रूस मरण, पीड़ा सहन और पुनरुत्थान द्वारा हम उन निर्दोष एवं बेगुनाहों के लिए मुक्ति एवं छुटकारा मांगते, इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन परिवारों को आपके समक्ष लाते हैं जो अंधकार, असत्य में जीवन बिताते हैं। हे पिता, आपने यीशु को संसार की ज्योति बनाकर भेजा जिससे लोग ज्योति में चल सके और एक पवित्र एवं निष्कलंक जीवन बिता सके। हे पिता ईश्वर, अपने वचनों द्वारा हम सबों के मन के अंधकार को दूर कीजिए और धर्म ग्रंथ का मर्म समझाइए, इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम वृद्ध माताओं एवं पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं तथा उनके बच्चों को तेरे सम्मुख लाते हैं। तू उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वे अपने वृद्ध माता पिताओं को देखभाल कर सके, इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम शांति के राजकुमार, राजाओं के राजा यीशु से प्रार्थना करें हमारे देश में और विश्व में शांति के लिए।
जिस परिवार में अशांति है वहाँ पर शांति रहे, जिस देश में प्रेम क्षमा दयालु करुणा की कमी है उस देश में, उस गांव में, उस शहर में, उस परिवार में प्रभु की शांति सदा सर्वदा निवास करे। हे प्रभु, इन सभी याचनाओं को जो तेरी प्रजा ने आपके सम्मुख लाया है, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझे क्या पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या पास कुछ भी नहीं, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थाई भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं।
पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन 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 ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन स्वर्ग में गाते हैं तेरी महिमा स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा पवन 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 तेरा नाम प्रभु अति पवन 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 ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन दुनिया में हर जमन गाते हैं महिमा दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तुम
मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। 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 आइए हम सब मिलकर शांति के राजकुमार, राजाओं के राजा, सबका उद्धार चाहने वाले, किसी का सर्वनाश नहीं चाहता, प्रभु यीशु द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ हम कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि यहां उपस्थित तेरी कलसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक
उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पापर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पापर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पापर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तरक तरक करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मर लिया। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आ जा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए देता मुझे अपने पास और लहू, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। देता मुझे अपने पास और लहू, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। तू मेरे दिल में निश दिन बसो प्रभु, तू मेरे दिल में निश दिन बसो प्रभु। मैं तेरे तू मेरे बन जाए भी, मैं तेरे तू मेरे बन जाए भी। हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आ जा प्रभु, तू मेरे मन में प्रभु, तू मेरे मन में प्रभु। थोड़ी देर मौन रहकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, जिन्होंने हमारे हृदय में, हमारे शरीर में अपने पवित्र शरीर और लहू के द्वारा हमें शक्ति प्रदान की है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु हम सबों को पवित्र बनने के लिए निमंत्रण देने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु सारी मानव जाति का उद्धार करने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु क्रूस पर हम सबों के लिए
विनम्रता से क्रूस पर मरकर पूरी दुनिया को क्षमा देने वाले प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं तू ही स्वर्ग का द्वार है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं तू ही भला गडेरिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु तू ही संसार का ज्योति है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु तू खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। तू महान राजा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरे पवित्र नाम की जय जयकार हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।